दोस्तों, तो आज हमारे पास ओप्पो A76 का मॉडल है और इसके अंदर कस्टमर ने दिया है कि लैक और ग्राफिक बनाना है और 500 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। और इसी चीज़ को आज हम आप लोग के सामने दिखाने जा रहे हैं कि बेसिक चीज़ क्या होता है और एडवांस क्या होता है। सबसे पहले इस मोबाइल को हम ऑन करते हैं तो वाइब्रेट करता है, पोर्ट बनता है, लेकिन सेट में लैग और ग्राफिक नहीं आ रहा। इसी चीज़ का आज हम लोग टेस्टिंग भी सीखेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट अब ये रहने वाला है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से पहचानेंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये सारा चीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हाथ में अगर कोई लैग ग्राफिक का प्रॉब्लम आता है तो आप उसे किस तरीके से रिपेयर करेंगे। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा रहा मदरबोर्ड LCD कनेक्टर। इसके अंदर वो सारा चीज हम आपको डायोड वैल्यू में पहले दिखाएंगे, उसके बाद वोल्टेज वैल्यू में दिखाएंगे। सबसे पहले मेरा डायोड वैल्यू चलेगा, लैन शॉर्टिंग और लैन ब्रेक। तो चलिए देखते हैं। ये रहा VSP का लाइन और इसके बाद एक वॉल छोड़ के ये है VSN का लाइन और इसके बाद एक वॉल छोड़ के ये है 1.8 का लाइन। तो 1.8 में 131 आ रहा है नेगेटिव में, पॉजिटिव में ओके है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन हमारा ओके है। उसके बाद 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 नंबर जो है रिसेट लाइन है, ये भी हमारा डायोड वैल्यू ओके है। अब यहाँ पे डायोड वैल्यू तो ओके समझ में आ गया है कि कोई लाइन ब्रेक नहीं है और कोई लाइन शॉर्ट भी नहीं है। और ये मोबाइल वाटरफॉल का है यानी वाटर डैमेज है। अब इसके अंदर हम लोग जो चेक करेंगे वो है वोल्टेज, कि वोल्टेज सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए हमें मल्टीमीटर को वोल्टेज मीटर में लेके जाना पड़ेगा और इसके अंदर चार्जिंग लगा करके हमें टेस्टिंग लेना पड़ेगा। तो चलिए चार्जिंग लगाते हैं और टेस्टिंग लेते हैं कि क्या सारा वोल्टेज ओके है या नहीं है। तो वोल्टेज लगाने के बाद सबसे पहले VSN का ले लेते हैं वोल्टेज 6 वोल्टेज, VSP का 5.9 वोल्टेज और इसके बाद 1.8 वोल्टेज ओके है। और 9 नंबर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 नंबर का हमारा 1.8 ओके है, यानी रिसेट लाइन भी ओके है। अब ये सारा वोल्टेज आ जाने के बाद आपके मोबाइल में जो है ब्लैक ब्लू डिस्प्ले आ जाना चाहिए, यानी कि लाइट जल जाना चाहिए। अब यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है। अगर लाइट जलता तो देख लेते हैं, पर लाइट जलता है या नहीं जलता है, ब्लू डिस्प्ले आ जाना चाहिए। तो ब्लू डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं तो इसके अंदर देख सकते हैं कि वाइब्रेट किया मोबाइल, लेकिन कोई भी ब्लू डिस्प्ले भी नहीं आया है। ब्लू डिस्प्ले भी नहीं आया, तो ये अब आपकी इसकी प्रॉब्लम हो गई। अगर ये सारा वोल्टेज आप लोग का कंप्लीट हो जाए तो हार्डवेयर की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ग्राफिक बनाना है। या तो LCD खराब होगा या फिर कनेक्टर खराब होगा, दो चीज़ खराब होगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसके अंदर कनेक्टर भी नया डाल दिया है और LCD भी ऑलरेडी मार्केट से टेस्ट दो बार कर लिया गया है, तो किसी भी कंडीशन में ग्राफिक इसका नहीं बन रहा है। अब इसके बाद का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं कि ये मोबाइल बनेगा कहाँ से, किस तरीके से बनेगा, वो सारा चीज़ इसके अंदर इनपुट रहेगा।